नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको नाम के अक्षर से किसी के बारे में कैसे जानकारी आप जान सकते हैं ये बताऊंगी। किसी व्यक्ति के जीवन में अक्षरों का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर नहीं है तो आज हम अगर ये बात आपको पता नहीं है तो मैं आज आपको ए से लेकर जेड तक ये बताऊंगी। चलिए जानते हैं फिर। तो भविष्य एवं व्यक्तित्व, किसी के भविष्य को जानने के लिए या व्यक्तित्व को जानने के लिए कई विधियां होती है। किसी के लिए जन्म कुंडली जरूरी होती है, किसी के लिए अंकों का अध्ययन जरूरी होता है, तो रेखाओं का ज्ञान जरूरी होता है। लेकिन कुछ जो है सभी प्रकार से पूर्ण जानकारी एवं गहरा अनुभव चाहिए। लेकिन नाम के प्रथम अक्षर से, जी हाँ, सिर्फ नाम के प्रथम अक्षर से किसी के भी बारे में आप उसका भविष्य जान सकते हैं, उसका व्यक्तित्व जान सकते हैं, वह भी बिना किसी गूढ़ विद्या के। जैसे कि आप आपके बारे में, आपके जीवन साथी के बारे में जान सकते हैं। जितना हम स्वयं के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, उतनी उत्सुकता हमें अपने मित्रों के बारे में, शत्रुओं के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में जानने की रहती है। बिना किसी ज्योतिष ज्ञान के, बिना जन्म विवरण के, बिना कुंडली के, अंक या रेखाओं के, हम सिर्फ नाम के अक्षर से इस बुद्धि को सुलझा सकते हैं। इसलिए नाम के पहले अक्षर से जो है आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। लेकिन वो जो नाम है उसका जन्म नाम होना चाहिए। चलिए फिर जानते हैं ए से लेकर जेड तक लोगों के बारे में। सबसे पहले मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अंग्रेजी के एल अक्षर से जिन भी लड़के लड़कियों के नाम शुरुआत होते हैं, जैसे कि लता, लोकेश, ललित, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है ये मैं आज आपको बताऊंगी। ऐसे व्यक्ति जो है प्यार, रोमांस, सब कुछ होता है ऐसे लोगों के लिए। रंग रूप में ये काफी सुंदर होते हैं, हर चीज दिल से सोचने वाले होते हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन इनके गुस्से पर भोलेनाथ की कृपा रहती है, इसलिए इनका गुस्सा जल्दी ही गुम हो जाता है। एक खासियत होती है जो है ऐसे नाम एल अक्षर से शुरू होने वाले जो नाम वाले जो व्यक्ति है वो कभी किसी बड़ी चीज की तमन्ना नहीं रखते हैं। ये छोटी छोटी चीजों में ही खुशी मिलती है। ये बहुत कल्पनाशील होते हैं, इसलिए ये लोग अक्सर साहित्य क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं। लोग जो है वो उच्च विचारों वाले, व्यवस्थित और अनुशासन प्रिय होते हैं तथा हर कार्य योजना तहत करते हैं, मतलब योजना बनाकर ये कोई भी कार्य करते हैं। यह दार्शनिक विचारधारा वाले गंभीर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अपने महत्वाकांक्षा एवं स्वाभिमान के प्रति ये बड़े सतर्क रहते हैं। इन्हें जीवन में रुकना या पीछे मुड़ना पसंद नहीं होता है। इनका गूढ़ विद्या एवं अध्यात्म आदि में विशेष रुझान होता है, मतलब रुचि होती है। इनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार में विशेष प्रकार की शालीनता होती है। ऐसे जो लोग हैं वो धुन के पक्के होते हैं। कई विशेष उपलब्धियां इनके पास होती है। यह दार्शनिक भावुक एवं दयालु होते हैं। ये एक श्रेष्ठ विचारक एवं न्यायी माने जाते हैं। इनका लक्ष्य मात्र उन्नति करना होता है, आगे बढ़ना होता है। इनके विचार सुलझे हुए होते हैं। प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से ही करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो रिजर्व नेचर के होते हैं। विद्वानों एवं श्रेष्ठ जनों की संगति इन्हें पसंद होती है। ऐसे लोग जो है वो भावुक, परोपकारी एवं दार्शनिक मनोवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग जो है वो विद्या अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं। संघर्षशील प्रवृत्ति इनके जीवन में निजी विशेषता कही जाती है। ऐसे लोग जो है वाद विवाद एवं बुद्धिमत्ता स्पर्धा में सदैव बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यदि यह व्यक्ति राग द्वेष से लिप्त न हो तो ये बहुत बड़े लेखक, दार्शनिक एवं समाज चिंतक साबित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं। इनको शीघ्र क्रोध आता है। जल्दी बोलना, अकाट्य प्रस्तुत करना, अपनी लेखनी या वाणी से दूसरों को वशीभूत करना इन्हें निजी विशेषता कही जा सकती है। इनकी आजीविका का साधन अध्ययन, अध्यापन, लेखन, प्रकाशन, अन्वेषण, अनुसंधान, शोध कार्य और राजनीति, धार्मिक, सामाजिक क्रिया कलापों की इर्द गिर्द होता है। मतलब इन मंदों से इन्हें
ये पैसे कमा सकते हैं। रुपए पैसों का इनके जीवन में खास महत्व नहीं होता है। ये सैद्धांतिक जीवन जीना पसंद करते हैं। ये नैतिक मूल्यों पर आधारित आदर्श जीवन जीना चाहते हैं तथा चरित्र की उज्जवलता पर विशेष ध्यान देते हैं। तो इस तरह से होते हैं जिन लोगों का नाम एल अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग। मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप मेरे वीडियोस शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।